नमस्कार दोस्तों, योर हेल्थ डॉक्टर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 7 दिन में इन होममेड चीज़ों से अपने फूड कॉर्न से छुटकारा पा सकते हैं। फूड कॉर्न से यानी पैरों के जख्म होना आम सी बात है। जब पैरों की त्वचा कठोर हो जाती है तो वह कॉर्न बन जाते हैं। इसके होने पर चलना फिरना बहुत परेशान होने लगता है, कई बार तो जूता तक पहनना मुश्किल हो जाता है। फूड कॉर्न से छुटकारा पाने के लिए लोग कई सारे केमिकल युक्त चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं, मगर कई बार इनसे समस्या खत्म होने की जगह और अधिक बढ़ जाती है। ऐसे में आप कुछ घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करके फूड कॉर्न से राहत पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। पहला है मुलेठी। कॉर्न का इलाज करने के लिए मुलेठी किसी औषधि से कम नहीं मानी जाती। 1 चम्मच मुलेठी में सरसों के तेल का मिलाकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को रात को सोने से पहले प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं और पट्टी बांध लें। फिर सुबह उठकर गुनगुने पानी से पैर धो लें। कुछ दिनों तक ऐसा करने से इस समस्या से छुटकारा मिल जाता है। दूसरा, सफ़ेद सिरका। सिरका भी पैरों के जख्म यानी कॉर्न्स को आसानी से दूर कर देता है। कॉटन में सिरका डुबोकर कॉर्न पर लगाएं, फिर इसे सुरक्षित रखने के लिए डक टेप लगाकर 3 से 4 घंटे तक रहने दें। इससे भी जल्दी फूड कॉर्न्स निकल जाता है। तीसरी चीज है टी ट्री आयल। टी ट्री आयल में मौजूद एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल गुण कॉर्न्स को ठीक करते हैं। 1 कॉटन लें, फिर उसमें टी ट्री आयल की 3 से 4 बूंदें डालकर अपने कॉर्न वाले स्थान पर लगाएं। रात भर इसे ऐसा ही रहने दें और सुबह उठकर पैरों को धो लें। चौथी चीज है पपीता। पपीता स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद एंजाइम स्किन के डेड सेल्स को बाहर निकालने में मदद करता है। कॉर्न्स से राहत पाने के लिए कच्चे पपीते का इस्तेमाल करें। कच्चे पपीते के रस में कॉटन डुबोकर कॉर्न्स पर लगाकर उसमें पट्टी बांध दें, फिर रात भर इसको ऐसे ही रहने दें। ऐसा करने से ही कुछ दिनों में इस समस्या से छुटकारा मिल जाता है। 5वीं चीज है लहसुन। लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और फंगल संक्रमण से लड़ने वाले गुण पाए जाते हैं। कॉर्न्स की समस्या से छुटकारा पाने के लिए लहसुन की कली को भून लें। अब लहसुन की कली में लौंग मिलाकर पाउडर बना लें। इसे पैर पर लगाकर पट्टी बांध लें। रात भर ऐसा ही रहने दें। इस उपाय से कॉर्न्स तुरंत ही गायब होने लगता है। तो दोस्तों, आज हमने आपको ऐसी चीज़ें बताई हैं, यह सभी चीज़ें घरेलू हैं। यदि आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो जिनके भी पैर में फूड कॉर्न्स हो गया है वह आप इससे दूर कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यदि आज की जानकारी आपको पसंद आए तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी प्रकार की वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।